वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस पावर स्टॉक की बात की जाए तो 15.85 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर ने ट्रेडिंग करा, हमें 60% की गिरावट देखने को मिले, 3.65% की गिरावट देखने को मिले रिलायंस पावर स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि तकरीबन स्टॉक की मोमेंटम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन मार्केट कैप जो है 5.41,000 करोड़ का है। फिर लास्ट यहाँ पे देख सकते कि न्यूज़ की बात की जाए तो करंटली कोई खास न्यूज़ है क्या रिलायंस पावर रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं तकरीबन रिलायंस इंफ्रा आज टू फिर ₹1,215 करोड़ ऑर्बिटल अवार्ड। तो देख सकते कि कोई खास न्यूज़ तो सामने नहीं है यहाँ पे देख सकते स्टॉक के लिए। तो बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर नजर डालेंगे हम लोग। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि आज के दिन का जो वॉल्यूम है 2 करोड़ 18 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम के साथ बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि वॉल्यूम जो है 2 करोड़, वॉल्यूम के साथ वैल्यू जो है 3,535 लाख का वैल्यू देखने को मिला है। बाइंग के लिए 27 लाख से ज्यादा क्वांटिटी है तो सेलिंग के लिए 1 करोड़ की क्वांटिटी पेंडिंग है। सेलिंग क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा है बाइंग क्वांटिटी से। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन के ऊपर भी नजर डाली जाए तो देख सकते कि रिसेंटली यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के ऊपर नजर डाली जाए तो 1 करोड़ 98 लाख में से तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि 1 करोड़ 4 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके। कुल मिला के देखा जाए तो 52% क्वांटिटी नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए। तो देख सकते कि रिलायंस पावर स्टॉक की यहाँ पे चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो पिछले दो तीन महीनों से तो स्टॉक में बहुत ही चौपी मूवमेंट है। 18 लेवल को जैसे रेजिस्टेंस लिया था तो गिरावट हो चुकी थी, तो उसके दौरान ही 15 टू 18 लेवल के बीच में बहुत सा चौपी मूवमेंट देखने को मिले। इस मंथ में भी मंथली प्यूट का रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले रिलायंस पावर के अंदर। नीचे आता है तो देख सकते 15 लेवल भी सपोर्टिव लेवल है स्टॉक के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते रिलायंस पावर के लिए।